रहमानिरहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीचिंग थेरेपी के साथ मेडिविदन मैडनेस में आपकी खुश आमदीद। मौसम चेंज हो रहा है और इसने अजीब तरह से हमारे साथ खेल शुरू किया है, कभी सर्दी कभी गर्मी, ना हम लॉन पहन सकते हैं ना लीलन। तो ऐसे में मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ सिल्क ड्रेसेस। सिल्क ड्रेसेस मैं टीजे क्लॉथिंग से परचेज करती हूँ और मेरे वॉर्डरोब में बहुत सारे सिल्क के ड्रेसेस हैं। ये जो डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये इस वक्त उनके पास अवेलेबल हैं। आप अभी जाएं और वहाँ से परचेज करें और इसका स्टफ इतना को मज़े का है कि आप सोच नहीं सकते। आए आज मेरी वॉलड्रॉप में देखें, मैं अपनी वॉलड्रॉप में देखती हूँ आज कौन कौन से डिज़ाइन हैं जो अभी तक आयरन हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी डिज़ाइन ऐसे जो अभी आयरन नहीं किए गए ना। ओके, यहाँ पर एक वर्साची में है, एक ब्लू में, पिंक में, येलो में और एक और है मल्टी कलर में। और मैं अभी आप सबको इनके डिज़ाइन वगैरह शो करती हूँ कि मैंने इनको किस तरह स्टिच किया है। मैंने इनको खुद से स्टिच किया है और ये इंतहाई इजी है। इनकी ग्रिप करना और इस पे सिलाई करना बहुत ही आसान है। इसके बाजू के आगे मैंने ये लेस लगाई है जो कटदाने की लुक लगती है, लेकिन एक्चुअली में ये कटदाना नहीं है, ये कुछ स्ट्रॉस को इस तरह से कटिंग की गई है कि ये कटदाने की लुक देती है। बिल्कुल भी ये ड्रेस को ख़राब नहीं करती है और बहुत ही यूनिक लुक देती है। इसके बाजुओं के साथ साथ मैंने यही लेस जो है इसके दामन में भी यूज़ की थी। इसके प्रिंट ही इतने खूबसूरत है कि यहाँ पर कुछ भी और आपको ऐड करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। इसके साथ के बहुत सारे रेप्लिकास भी आए हुए हैं, लेकिन आप अगर टीजे क्लॉथिंग से परचेज करेंगे तो आपको इस तरह की कोई भी शिकायत नहीं होगी। दिस वन इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड डेलिकेटेड ड्रेस ऑफ माइन। इसके दुपट्टे को मैंने ब्लैक कलर की पाइपिंग की थी जिसकी वजह से इसकी ग्रिप और अच्छी हो गई है, सर के ऊपर से सरकता नहीं है। ये देखें, मैंने खुद से स्टिच किया है इसलिए कि मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि इसमें बिल्कुल भी आपको स्टिच करने में मुश्किल नहीं होगी। और इतनी फॉल वाली सिल्क है और इतना ज़बरदस्त इसके प्रिंट हैं, ज़रा से भी इसमें दाने वगैरह क्या वो धागा जो निकल आता है वो नहीं निकलते। इसके बाजू के आगे मैंने टसल्स यूज़ किए थे, गले पर में गला पट्टी लगा के मैंने उसके ऊपर बटन लगाए थे। ये बहुत ही रॉयल लुक देता है और ये देखें कमाल धमाल कलर, इतना मज़े का, इवन के ये पिक्चर में ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है। इसके पल्लू पे मैंने लेस यूज़ की थी ताकि ये थोड़ा सा चेंज लुक दे। मुझे क्रेज़ है ये टीजे क्लॉथिंग से कपड़े परचेज करना और वो भी सिल्क के, मुझे क्रेज़ है। आप कहेंगे मैडली के इसने कितने ज़्यादा यहाँ से लिए हैं। ये देखें, इस मौसम में एक्चुअली पहनना ही सिल्क वगैरह या रेशमी स्टफ जाता है और आज का सिल्क बहुत इन है, इसलिए मैंने बहुत सारे लिए। इसका मैंने गला बहुत ही खूबसूरत बनाया है। ये देखिए, इसकी मैंने डोरी पाइपिंग निकाल के, डोरी से पाइपिंग बना के मैंने इसकी उसके साथ मैंने डिज़ाइनिंग की है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आएंगी तो मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना भी सिखाऊंगी। और आप अगर आपको अभी अच्छा लग रहा है तो आप इसको अपने टेलर्स वगैरह को दिखा कर उसे बनवा सकते हैं। जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग मेरे चैनल को करें लाइक सब्सक्राइब और शेयर ताकि मैं आपको इस तरह की डिज़ाइनिंग्स दिखा सकूं। मैंने ऑलमोस्ट इनके तमाम डिज़ाइंस ले चुकी हूँ। एक और डिज़ाइन आपके साथ शेयर करती हूँ, ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन है। ये देखें, इसकी मैंने बेल्ट पर मैंने प्लास्टिक डालकर उसको फ्रॉक लुक दी थी। उसके बाद यहाँ पर इसके मैंने चौक बनाए हैं और मिड में भी मैंने इसके टू जो हैं कट्स दिए हैं। टू कट्स के ऊपर मैंने एक एक ब्रोच ऐड किया है। बाजू के आगे मैंने लेस यूज़ किया, यही लेस मैंने गले के भी ऊपर लगाई थी। गला मैंने बेफॉर्म में दिया था। इफ़ यू लाइक माई मिड समर्स कलेक्शन तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई वीडियो टू सी द मोर वीडियोज।